दिवांश, मैं सोच रही थी कि इन्नी वड्डी पार्टी है ते क्यों ना मैं अपने ब्रदर रॉकी नु भी इस पार्टी च इनवाइट कर लूं। ये भी कोई पुछन दी गल है, हुण है तेरा भी घर है, तू इस पार्टी च जिन्नू बुलाना चाहनी है बुला सकती है। इनफैक्ट तेरा ब्रदर ता साडा स्पेशल गेस्ट होएगा। ओ थैंक यू सो मच दिवांश, यू आर सो स्वीट। मैं हुणे अपने ब्रदर नु फोन करती। वेट जैस्मिन, तू उनु क्यों कॉल करेंगी? वो साडा स्पेशल गेस्ट है इस पार्टी च, उनु मैं पर्सनली कॉल करके इनवाइट करूंगा। ठीक है दिवांश, एज यू विश। दिवांश जी तो इन्ने घट समय दे विच जैस्मिन दे परिवार ते इन्ने नेड़े आ गए ने, हुण मैं इन्हां दा व्याह तुड़वावां की कित्ता। जैस्मिन मैनू फटाफट रॉकी दा नंबर दे। मैं तुहानू ऑलरेडी शेयर कर दिता है दिवांश। उन्हें अपने होने वाले ब्रदर इन लॉ नू कॉल कर देना, इहदे नाल जैस्मिन भी बहुत खुश हो जाएगी। वाओ, मैनू नहीं पता सी कि दिवांश इन्नी जल्दी मेरे वाले अट्रैक्ट हो जाएगा। जैस्मिन अपने भरा नू इत्थे क्यों बुला रही है? मतलब हुण दिवांश जी दी रक्षा लई एक नहीं बल्कि दो दो दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा मैनू। हे नैना देवी, मैनू शक्ति दिओ। नयन एक मिनट, तू अपना पार्सल तो हज तक खोलिया ही नहीं, घट्टो घट इन खोल के देख ते लै कि इहदे च है की ते किन्ने भेजे है। मैं बाद च चेक कर लां। नहीं नहीं, तू इन हुणे खोल के देख। ले फड़ खोल। साड़ी तो बहुत सोनी है, जरा देखना तेने किन्ने भेजी आ। इस साड़ी मैनू शमशेर जी ने भेजी, वो चाहते ने कि मैं साड़ी पाके उन्होंने धी सहज से सलाने दे पोक ते जावां। उन्हां नूं मैनूं वेख के अपनी धी सहज दी याद आउंदी है। मेरे पापा नूं बचाउण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, सब सड़के सवाह हो जाए। मेरी धी हुण इस दुनिया विच नहीं है। ये उही कुड़ी है जिहड़ी पहलां मैनूं पिंड विच ते बाद विच हस्पताल दे विच मिलण आई सी। नयन, मैनू लगता है तू अपने आप नू सहज दे बहुत करीब महसूस कर दी है ना। हाँ किती जी, क्योंकि शमशेर जी मैनू अपनी धी सहज वांगी मानदे हैं। नयन, तू मैनू ये ते दस कि सहज दी मौत किदां होई सी? मैं सोचिया सी व्याह तो बाद मैं बहुत खुश रहांगी, पर मैं गलत सी, उन्होंने तो मैनू जीण ही नहीं दिता। सहज जी ने मैनू पिछली बार दसिया सी कि उन्होंने उन्होंने जीण नहीं दिता, पर वो किहदे बारे गल कर रहे सी? कौन हो सकता है जिन्हें सहज नू जीन नहीं दिता? डन पापा, ओके ठीक है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तुसी कदों आ रहे हो? डन पापा, मैं बाद च कल कर दी हूं। क्यों होया? माँ ठीक ही कहते हैं, यह कुड़ी सब कुछ बर्बाद कर देगी। मैनू कुछ भी करके यह विआह होने तो रुकना ही पाएगा।
नैन पुत्र, मैं जानता सब कुछ। इस वेले तेनू दिवांश के दूजे ब्याह का ख्याल भी अंदरों अंदर सुइयां वांगू चुभ रहा होगा। मेरे को तेरी हालत देखी नहीं जाती। दिवांश की जिंदगी ते गुरु जी के वचना ने मैनू इन्ना मजबूर कर दिता है कि मैं चाहते हाँ भी तेरे हक च फैसला नहीं कर पाता। इस टाइम मैनू दर्द तो ज्यादा तो डर लग रहा है कि किते दिवांश जी के दूसरे ब्याह का ख्याल उन्होंने जिंदगी सवार की बजाय होर उलझना च ना पा दे। पता नहीं क्यों मैं इन्ना डर गई हाँ कि मैनू इंज लग रहा है जिवें उन्हों का दूसरा ब्याह पता नहीं किन्ना वड्डा हाऊ है। इसलिए जे तुसी दिवांश जी का भला चाहते हो ना तो छोटे मालिक नू फोन करो, उन्हां नू इत्थे बुलाओ ताकि पार्टी तो पहला पहला वो दिवांश जी दे लई कोई होर कुड़ी लभ दे ते दिवांश जी किसी होर कुड़ी दे नाल व्याह करा ले। क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए मैनू कुछ भी क्यों ना करना पै जाए मैं दिवांश जी का व्याह उस जासमीन दे नाल नहीं होन दे सकती। नैन पुत्र तू ये जैस्मीन दा नाल है कि ये गल क्यों कही है? जैस्मीन दिवांश जी दे लई सही कुड़ी नहीं है। कि जैस्मीन सचमुच दिवांश दे काबिल नहीं है कि कोई गल हो रही? क्योंकि तू बिना किसी कारण तो कदी भी कोई गल नहीं करती। किते दिवांश दी जान नू तो कोई खतरा नहीं है ना? वटे मालिक, वटे मालिक, ओ, वटे मालिक। सही से दस की गल है। वटे मालिक। बहुत तकलीफ हो रही है। तुस चलो। वटे मालिक, तुसी ठीक तो हो ना? नैन पुत्र तू दिवांश ते जैस्मीन दा व्याह क्यों नहीं होन देना चाहती? कि जैस्मीन तो दिवांश नू कोई खतरा तो नहीं है? कि तू कोई ऐसा फिर कोई दृश्य तो नहीं देख लेता है दुर्घटना का? वड्डे मालिक मैं चाके भी थानू ये सब गल्ला नहीं दस सकती क्योंकि मैनू पता है कि तुसी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। वड्डे मालिक ओ असली क्योंकि मैनू इंज लगता है कि छोटे मालिक दिवांश मालिक के लिए जिहड़ी कुड़ी पसंद कर रहे ना वो ज्यादा बेहतर होएगी। नाले जैस्मीन जी का सुभाव तो तुसी वेख ही लिया ना कि थानू ये लगता है कि जैस्मीन दिवांश जी की पत्नी बनने के लायक है। जैस्मीन इन्नी बुरी कुड़ी भी नहीं है पर तू सही कह रही है, इन्नी समझदार भी नहीं कि दिवांश दी बहू बन सके और साडे खानदान दी समझदार बहू बन सके। बस फिर वड्डे मालिक मेरी भी यही सोचनी है क्योंकि मैं सोचती हाँ दिवांश जी दे लई जिहड़ी कुड़ी उन्हां दी जिंदगी दे विच आए ना उह समझदार ते चंगे विचारां वाली होए, जिहड़ी दिवांश मालिक नूं सारी उम्र अपना समझ के संभाल के रखे। बस मैं इसे लई चाहनी हाँ कि छोटे मालिक छेती तो छेती इत्थे वापिस आ जाण ते आके दिवांश जी दा रिश्ता किसी होर कुड़ी दे नाल पक्का कर देण। इसलिए मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वड्डे मालिक मेरे छोटे मालिक ना गल करवाओ ना तुसी एक बार। ठीक है पुत्र। आखिर नैन क्यों नहीं चाहती कि मेरा व्याह जैस्मीन नाल होवे? नैन इन्नी चंगी तरह जानन तो बाद भी तू ऐ सवाल किदां कर सकदा जबकि तेनों चंगी तरह पता है कि नयन दी कही हर गल दे पिछे कोई खास वजह होंदी, फिर भी तू उहदा विश्वास नहीं कर रहा। हो इस करके क्योंकि मैनूं चंगी तरह पता है कि नयन नहीं चाहती कि मेरा दूजा व्याह होए, बस अपनी आकड़ दे चलदिआं इस गल नूं कबूल नहीं करना चाहती, इस करके मेरी मां दा नाम लैके नवा ड्रामा कर रही है। किन्नू बेवकूफ बना रहा तू दिवांश, तू जानता है जे नयन तेनूं जैस्मीन नाल व्याह करन तो मना कर रही है इहदा मतलब यह है कि यह व्याह तेरे लिए सही नहीं, पर तू तू अपनी आकड़ दे चलदिआं इस गल नूं मनना नहीं चाहुंदा। ईगो तेरी वड्डी है दिवांश, नयन दी नहीं। शट अप, तेनूं नयन दी साइड लैण दी कोई लोड़ नहीं है। दिवांश पुत्र कल्ला किहदे नाल गल कर रहा है?
तू किसे गल नू लेके परेशान ता नहीं? बस अपनी मम्मा नू कि तू अपनी अंतर आत्मा ना गल कर रहे ते तेरे दिमाग च की सवाल चल रहे ने। नहीं मम्मा, मैं तो बस अज दी पार्टी बारे ही सोच रहा सी। आई थिंक अज दी पार्टी दे सारे अरेंजमेंट्स तुसी देख लो। इन्हां नौकरां ते की भरोसा, इन्हें शॉर्ट नोटिस च इन्हां तो कुछ हैंडल नहीं होना। दिवांश पुत्तर, तू अपने व्याह दे फैसले नूं लैके अपने कदम पिछे ना मोड़ी। अजकल तेरे बिहेवियर नूं देख के मैनूं तेरे तो बहुत डर लगता है। तेरे मूड नूं कदों की हो जाए कुछ पता नहीं चलता। ते इस तरह मैनूं तैनूं समझाना ना बहुत ही औखा काम लगता है। हैरान क्यों ने? दे जवाब। इस बार तू अपना फैसला तो नहीं ना बदलेगा? मम्मा तुसीं इदां क्यों सोच रहे हो? तुहानूं मेरे ते भरोसा नहीं? पुत्तर मैनूं तेरे ते पूरा भरोसा है, पर तेरे गुस्से ते भरोसा नहीं। तेरा बिहेवियर पहले वर्गा नहीं रहा। देखा, मैं क्या सिरा, तू चेंज हो गया है। तेरे बिहेवियर चे चेंज नयन करके आया है। मम्मा तुसीं इदां ना कहो, मैं अपने फैसले तो बिल्कुल पिछे नहीं हटांगा। अच्छा, फिर तू मेरे सिर ते हाथ रख के कसम खा सकदा है कि तू जैस्मीन नाल ही विआह करेगा? हुण आया पहाड़ दे थले। हुण तां तू बुरी तरह फस गया, हुण तू की करेगा दिवांश? तू वाकई ही नयन दी गल सुनन तो बाद हुण भी जैस्मीन नाल विआह करेगा? मैं तां लग रहा कि नयन दी गल सुनन तो बाद तेरा मन भी डावाडोल हो रहा है। अच्छा वैसे गल दस, तू वाकई ये विआह करना चाहता है या सिर्फ नयन नूं दिखाण लिए विआह कर रहा है? बोल दिवांश, दे जवाब। Shut up, just shut up. मम्मा है, मैं तानू नहीं क्या? हाँ पुत्तर, तू किदे नाल गल कर रहे हैं? देखिया, मैं क्या सी ना कि तू बहुत अजीब बिहेव करने लग पे। जवाब दे दिवांश कि तू मेरी कसम खाने लिए तैयार है ना कि तू इस व्याह तो कदे नहीं मुकरेगा? हेलो छोटे मालिक, तुसी दिवांश मालिक दी कुड़ी लभ ली है ना? नहीं नैन पुत्तर, अजे तक मैनूं कोई ऐसी कुड़ी नहीं मिली जिहड़ी दिवांश दी पत्नी होण दे लायक होए। वैसे गुरुजी ने मैनूं सलाह दित्ती है कि मैं बनारस जाके दिवांश लई कोई कुड़ी लब्भां। छोटे मालिक, तुसी जिन्नी छेती हो सके ना इत्थे वापिस आ जाओ। तुहानूं पता है सीता मालकिन ने दिवांश जी दे लई उस जैस्मीन नूं पसंद कर लिया, जो इत्थे ही रह रही है। की रीटा ने जैस्मीन नूं घरे रख्या होया? इह तां मैनूं पता सी। और ओ जैस्मीन दा व्याह दिवांश नाल इन्नी जल्दी कर देगी, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੈਸਮੀਨ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੁੜਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਸਮੀਨ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਦਿਵਾਂਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜੈਸਮੀਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲੋ। ਜੈਸਮੀਨ ਰੁਕ ਜਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਦਿਵਾਂਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ? ਜਲਦੀ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਲਦੀ ਚੱਲੋ। ਜੈਸਮੀਨ ਕੀ ਬਚਪਨਾ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜੈਸਮੀਨ, ਬਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਜਲਦੀ ਚੱਲੋ ਨਾ ਦਿਵਾਂਸ਼, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲਾਵਰਸ ਮੰਗਵਾਏ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਨੇ
वाओ लवली फ्लावर है तो बहुत सोने ने। है ना पर तेरे तो थोड़े कट यू आर मोर ब्यूटीफुल दिवांश ते जैस्मिन दियां नज़दीकियां देख के नयन दा मूह निक्का जिहा हो गया। जे इन्हां दोनों दी जोड़ी नूं इक अख नहीं पांदी तां दिवांश ते दूजे व्याह लई राजी कित्थों होवे। इन्हें व्याह रोकण लई कोई कदम क्यों नहीं चुकिया। कोई तां साजिश है जो मैनू नहीं पता। मेरी नेल पॉलिश कितने गई? इसकी? ए, तू मेरे सामान लो बिना पूछे हक के गल आया। टॉली जी, केड़ा सामान? अच्छा, मेरे आगे ना झूठ ना बोल। जे तू मेरे सामान नु हाथ नहीं लाया, ता फिर मेरी नेल पॉलिश कितने गई? टॉली जी, मैं तो ना कोई सामान नहीं देखा, मैं तो अपना काम कर रही थी। जिन्नी बार तू मेरे आगे झूठ बोलेगी ना, उन्नी बार मैं तेरा गला और जोर नाल कस के फड़ांगी। इसलिए आपे दस दे मेरी नेल पॉलिश कित्थे गई। टॉली जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं पता था पता कर। मैनू आज ही मेरी नेल पॉलिश चाहिए है। जे मैनू मेरी नेल पॉलिश नहीं मिली ना, फिर तेरी खैर नहीं। मैं लग नहीं मेरी पूजा का समान है, हाथ ना लाओ प्लीज। मैं हूं लगता नहीं, इन छोड़ दो। देखिए ना मैडम जी, इस बदमाश ने मेरी नेल पेंट छुपा दीती सी। इन्हें मेरा जीना हराम कर रखा है। जीना तो इन्हें कई लोगों का हराम करके रखा है। फिलहाल डॉली तू इत्थों जा, मैं इहदे नाल कल्ले च कोई जरूरी गल करनी है। जी नयन, मैं तेरे कोलों जड़ा भी सवाल पूछांगी ओदा मैनू सच सच जवाब दे, नहीं तो तेनू पता है ना कि मैं तेरे नाल की कर सकती हूँ। एक गल तो साफ है कि जैस्मिन नू दिवांश दे करीब हुंदियां देख के तेनू बिल्कुल भी चंगा नहीं लगता, पर मैनू ए समझ नहीं आई कि तू दिवांश दे दूजे व्याह दा विरोध क्यों नहीं कर रही। पहला ता तू तलाक दे कागजा ते साइन ना करन लई इन्ने ड्रामे कीते, हुण जदों दिवांश बिना तलाक दिते दूसरा व्याह कर रहा है तां तैनू सप क्यों सुंघिया? जवाब दे नयन, क्योंकि मैं चंगी तरह जानदी हां तेरी शैतानी खोपड़ी दे अंदर जरूर कुछ इहो जिहा चल रहा है जिहड़ा तू किसे नूं दसना नहीं चाहती। पर मैं भी एक पता लगा के रवांगी कि आखिर तेरे दिमाग च चल की रहा, तेरा प्लान की है, तेरी इस चुप्पी दे पिछे दा कारण की है।
नहीं लगता है। जे तू दसेंगी नहीं तो मैनू पता नहीं लगेगा। जे तू शेर है ना तो मैं भी सवा शेर हूं। वड्डी मालकिन नू पक्का मेरे चुप रहने दे नाल शक हो गया। समझ नहीं आ रही हुण मैं इन्हां नू की जवाब देवां।